पीठासीन सभी अधिकारी और देश के कोने कोने से पहली दफा जो संयुक्त अधिवेशन संयुक्त शिविर हो रहा है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के सारे प्राचार्यों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये पहला इस तरह का स्वागत, ये पहली दफा इस तरह का शिविर हुआ है, इसके बारे में मैं कहूंगा। लेकिन शुरू में जिस आपका सबका प्रोडक्ट क्या होता है, इशिता, क्योंकि हर बच्चे में ठूस ठूस कर गुण भरे होते हैं, मां को पिताजी को और शिक्षक का काम यह है कि उसको ढूंढना, उसको अवसर देना, और अगर दिया तो क्या होता है इसका एक इशिता उदाहरण है, उसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। अभी मैंने एक ही सवाल पूछा कि आपको किसने सिखाया, तो बहुत सारे, अब वो संगीत के जिस स्तर पे है तो वहां तो बहुत प्रसिद्ध गायक भी सिखाएंगे, सिखाया भी होगा, लेकिन उसने कहा मुझे चक्रवर्ती मैडम ने 6 साल सिखाया जो केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल थी। देखो ये देखो वहां है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। यस, यही एकमात्र प्रोफेशन है। मैं मंत्रालय में देखता हूं अधिकारी सचिव होता है तो क्या रुबाब होता है, लेकिन जब रिटायर होता है तो दूसरे दिन उसके घर कोई नहीं जाता। एक ही प्रोफेशन है दुनिया में, वो शिक्षक का है, कि जहां 30 साल बाद भी भरे बाजार में छात्र मिलेगा तो आपके वो पांव छुएगा, ये केवल और केवल शिक्षक में होता है। और मुझे तो बहुत ही नाज है, मैं एक जिला परिषद के शिक्षक का बेटा हूं, और इसलिए तनख्वाह, रोजमर्रा की बाकी जरूरतें, मांगे, ये तो होता रहता है, लेकिन ये जो शिक्षक का सम्मान है छात्रों द्वारा, ये दुनिया में किसी प्रोफेशन में नहीं है। शायद डॉक्टर को होता है, लेकिन डॉक्टर को भी ठीक होने पर उसको हम कहते हैं बाकी मिले तो नमस्कार करते, पांव छू के नमस्कार केवल टीचर को ही करते हैं, ये एक विशेषता है। तो फिर हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ती है। और आज मैंने जब चर्चा की कि ये शिविर करे, क्योंकि रोज मैं सुनता हूं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत बदतर है, खराब है, क्या है, ये नहीं वो नहीं। मैंने कहा कमाल है, अरे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय भी तो सरकार के है, और वहां अगर एक नवोदय का सीट के लिए 60-60 विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, एकमात्र परीक्षा है वो, एंट्रेंस एग्जाम देकर छठी में प्रवेश, और सीबीएसई का रिजल्ट 85% है, प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट 82% है, और केंद्रीय विद्यालय और नवोदय का रिजल्ट 98-99% है। कौन कहता है सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होते? केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए
लेकिन हम भी बढ़ाएंगे। मैंने कुछ स्कूल्स इस साल डबल शिफ्ट किए हैं, और भी करेंगे और नए स्कूल भी खोलेंगे, क्योंकि मोदी सरकार की घोषणा है सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। मैंने पूछा, अनेक जगह में जाता हूं, यह सवाल पूछता हूं कि क्या है केंद्रीय विद्यालय में अलग, क्या है नवोदय में अलग, और क्या नहीं है जो दूसरे सरकारी स्कूल है। तो एक उत्तर मुझे, अभी मैं मध्य प्रदेश भी गया था तब ऐसे ही प्रिंसिपल मुझे स्वागत के लिए आते, तो मैं उनसे बात करता रहता हूं। तो जिला परिषद के स्कूल में अगर प्रिंसिपल ने एक हाथ टीचर अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसके लिए वो उसको मेमो दिया, तो शाम को प्रिंसिपल को ही मेमो मिलता है। आप कितने भाग्यशाली है यह समझ लेना। कि सरकार ने और सिस्टम ने एक अकाउंटेबिलिटी की व्यवस्था और आपका डेलीगेट करके जिम्मेवारी दी है, तो आप पर विश्वास रखा है, इसी कारण आपके लीडरशिप के कारण ही ये केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का झंडा फैल रहा है, और इसके लिए बधाई आप सबको। ऐसे शिविर मैं अभी बोल रहा था, इसका जरा सिस्टम करो। मैंने आने के बाद उच्च शिक्षा में वाइस चांसलर का सम्मेलन शुरू किया। हमारे सरकार में बड़ी विचित्र सोच होती है, अपने अपने साइलोज में लोग काम करते हैं, तो केवल सरकारी जो कुलपति है उनका ही सम्मेलन बुलाते थे, उनकी बैठक बुलाते थे। मैंने कहा क्या ये वाइस चांसलर है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं है, वो प्राइवेट की वाइस चांसलर नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटी के कोई पराये है। अरे भारत के सभी 900 वाइस चांसलर का तीसरी दफा हमने सम्मेलन किया है, हर वर्ष में करते। ऐसे आपका भी एक वर्ष केंद्रीय विद्यालय अलग से मिले, एक वर्ष जेएन वी के मिले, और तीसरे वर्ष दोनों मिले, इस तरह का एक परिपाटी बनानी चाहिए, इसका बहुत लाभ है। लेकिन मुझे पता चला इस बार जरा भाषणों का ओवरडोज हुआ है। अगली बार मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। आज ही मैं आपके सामने ही घोषित कर रहा हूं कि कैसे कार्यक्रम रहेगा, तो फिर ये कुछ भी बनाएंगे तो आप कहोगे कि ऐसा नहीं है। ऐसा है, रोज तीन तीन सेशंस होंगे, और तीन सेशंस में एक सेशन उद्घाटन का हुआ जो कल सद्गुरु जी ने किया, और बहुत अच्छा हुआ होगा, आपको पसंद आया, वेरी गुड। और एक समापन का भाषण हो, बाकी कोई भाषण न हो, भाषण केवल आपके होंगे। मैं पर्यावरण मंत्री था, मैंने मेरे विभाग के शिविर किए, अधिकारी आते थे, और मैं शुरू से दो दिन पूरा यहां बैठता था नोटबुक लेकर और पेन लेकर, और हमने चार विषय रखे थे, चार विषय रखे थे कि भाई हमने कोई अच्छा इनोवेटिव प्रैक्टिस किया है जिसमें सफलता मिली है, जिसका रिजल्ट अच्छा आया है, लोगों ने भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा जिसको लगता है वो अपना प्रेजेंटेशन भेजे। अनेक लोग भेजते थे, उसमें से 15 प्रेजेंटेशन हम सिलेक्ट करते थे, 5-5 मिनट समय देते थे उनका, वो प्रेजेंट करते थे, मैं सुनता था, अच्छे प्रैक्टिसेस, माय बेस्ट प्रैक्टिसेस। फिर दूसरा हमने विषय लिया था कि जिन्होंने अपने काम में जन सहभागिता ली, क्योंकि स्कूल का भी आपको सारा सरकार देती है, लेकिन आप वहां के लोकल कम्युनिटी को कितना एंगेज करते हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जिसने समाज की सहभागिता,
और केंद्रीय विद्यालय कहाँ है ये पता ही नहीं लोगों को, ऐसा नहीं तो केंद्रीय विद्यालय एक बहुत आकर्षण का केंद्र बन गया। ऐसा करने के लिए जो काम करते हैं, तो जन सहभागिता कैसे मैंने निश्चित की ये बताने वाले दूसरा सेशन, 15 वक्ता 5-5 मिनट। फिर तीसरा सेशन हमारे कानून और नियमों में क्या बदलाव होने चाहिए उसके बारे में, उसके बारे में लोग सुझाव दे, वो भी जिसके पहले हम हमारे तरफ ईमेल से प्रेजेंटेशन मंगाते हैं, जिनका अच्छा है ऐसे 15 लोगों को वो एक बोलने का मौका मिलता है, बाकी सबके तो लिए ही है। और चौथा सेशन कि हमारे तौर तरीके में कि हम जिस तरह से करते हैं, समझो यहाँ है हम पढ़ाते कैसे, हम रहते कैसे, हम टीम वर्क कैसे करते, बहुत सारे आयाम है, उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। आप बोलोगे, अधिकारी और नेता सुनेंगे, भाषण केवल दो होंगे, बाकी कोई भाषण नहीं होगा, भाषण आपके होंगे। ऐसा शिविर ज्यादा उपयोगी होता है, और इसलिए अगले साल, इस बार एक अच्छी शुरुआत की है, अगले साल इसमें और अच्छा सुधार करेंगे। सुधार का कभी अंत नहीं होता, देर इज नो कि यस आई हैव अचीव्ड एंड नथिंग टू अचीव, ऐसा कभी नहीं होता। उसी दिन से पतन शुरू होता है जब लगता है कि हमने तो आसमान छू लिया, ऐसा नहीं होता। आसमान जितना ऊंचा जाओगे उतना आसमान और ऊंचा होता जाता है, ये उसका हमें सबूत है, और उसके लिए काम करना है। लो एम इज क्राइम, हाई एम वी हैव टू हैव। तो ये करने के लिए है। मैं जब ये विषय बता रहा था तो सबसे ज्यादा ताली हमारे नियम और कानून क्या बदलना चाहिए इस पर मिली। मैं भी तो शिक्षक ही हूं, तो मैंने समझ लिया आपका इशारा कहाँ है, लेकिन फिर मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे ट्रांसफर्स मुद्दे से ही शुरू करते ना, तो ट्रांसफर का एक फॉर्मूला बना है कि भाई ये घटक है तो इसको 5 मार्क है, इस घटक है तो 10 मार्क है, इस घटक है तो 3 मार्क है, जो भी एक फॉर्मूला है आप सबको मालूम है ना। और एक ऑनलाइन की व्यवस्था है। मैं तो ये भी कहने को तैयार हूं कि अब ये फॉर्मूला 3 साल अमल में आया, 4 साल, 3 साल हो जाएंगे, तीसरा चक्र चल रहा है। अब 3 साल के बाद सभी इन टीचर्स को ही एक 15 दिन का विंडो रखो कि जब कोई सुझाव देने हैं कि फॉर्मूला में क्या बदलाव होना चाहिए, पूछ लो, आप भी दे दो। लेकिन एक बार फॉर्मूला तय हो गया कि फिर मेरे यहां पत्र नहीं आने चाहिए। मैं लीगल नोटिस नहीं किसी को दिया हूं कि भाई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या ला रहे हैं। यानी मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि आपके टीचर्स कितने, 40,000? 40,000 टीचर्स केंद्रीय विद्यालय के, उसमें 7,000 टीचर्स फॉर्मूला से तबादला हो रहा है, सबको फॉर्मूला मालूम है, तब भी मेरे पास हजारों पत्र आते। यानी मुझे लगा मैं शिक्षा विभाग का मंत्री हूं जिसमें कोई शिक्षा नीति पर बोलेगा, कोई मुझे ये बोलता ही नहीं, केवल ट्रांसफर का अर्जी देता है। अगले साल से मैं बंद करने वाला हूं। आपको सुधार का एक मौका मिलेगा, अच्छा सुधार करो, बहुत एक्सेप्शनल रेयर केस होती है, उसका भी उसमें है, वो तो हम मानवीय संवेदना तो सबको है, लेकिन सिस्टम से चले, अच्छा करे। लेकिन मैं, मेरी कोई शिकायत नहीं है आपसे, क्योंकि किसी को भी लगता है, लेकिन मेरी माँ शिक्षक थी,
एक देहात में थी, मेरे पिताजी पूना में रहते थे, हम 4 घंटे के दूरी पर थे, लेकिन 12 साल उसने तबादला न मांगते हुए वही काम किया, ये मैंने जिया है बचपन से। तो आपको मंत्री भी ऐसा मिला है कि जिसको सब मालूम ही है। तो ये होता है। लेकिन दूसरा, आज हम काहे के लिए इकट्ठा हुए, तो लीडर्स है, वी आर लीडिंग अवर बेस्ट स्कूल्स। लीडिंग करने के लिए क्या जरूरत होती है? पहले तो आप टीम वर्क करते हो कि नहीं, सबको लेकर चलते हो कि नहीं, काम डेलीगेट करते हो कि नहीं। उसके आगे, काम अच्छा करने पर उसका एप्रिसिएशन करते हो कि नहीं, क्योंकि दोष होता है तो जरूर आदमी बोलता है, एप्रिसिएशन बहुत कम करता है, कंजूसी ना करो। क्या हम ये करते हैं? ये जो करते हैं वही सफल लीडर होते हैं। मेरे राजनीति में गुरु थे, उन्होंने मुझे एक बार बताया, अब मैं तो प्रवक्ता रहा तो मुझे टीवी पर झगड़ा करना पड़ता ही है, लेकिन उन्होंने सिखाया कि व्हाट वी हैव टू विन, कोर्ट में जाएंगे, टीवी पर डिबेट में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो आर्गुमेंट जीतना होता है, लेकिन जिंदगी में आर्गुमेंट नहीं जीतना है, व्यक्ति जीतना है जिसके साथ हम काम करना है। वी हैव टू विन वन द पर्सन, ये करना है। लेकिन उसके लिए अपना मन खुद का प्रसन्न होना चाहिए, आपके मन में समाधान का भाव होना चाहिए, और आनंद आना चाहिए जो काम हम कर रहे हैं उसमें। मैंने देखा है अनेक जगह, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी जगह मैंने देखा है, शिक्षा अगर स्तर गिरा है तो जिसका लास्ट चॉइस शिक्षक बनना है वो बना है, मुझे आप फर्स्ट चॉइस जिसका शिक्षक बनना है वही शिक्षक बनना चाहिए, ये व्यवस्था हम लाना चाहते हैं। इट मस्ट बी अ फर्स्ट चॉइस टू बिकम टीचर, और इसलिए हम 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर रहे हैं, अगले साल से ये शुरू होगा, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। तो जो एडमिशन लेता है 12वीं के बाद, तभी वो तय करता है कि मुझे शिक्षक बनना है, ऐसा। इट शुड बिकम ए प्रोफेशन ऑफ चॉइस, नॉट ए प्रोफेशन ऑफ लेफ्टओवर, और इसलिए ये हमें करना है, हमने भी निर्णय करना शुरू किया है। आनंद आना चाहिए, सिखाने में कितना आनंद आता है, क्योंकि सामने एक छात्र बैठा है जिसका, जिसको जो बताओगे वैसे वो करने लगता है, उसकी अंतःप्रेरणा भी है, उसको जगाना है, उसमें अंदर गुण है भरे हुए, उसको अवसर देना है, देखो आपसे भी नया कुछ सोचते हैं। रोज शिक्षक के जीवन में ऐसे 2 उदाहरण तो मिलते ही होंगे कि भाई आज छात्रों ने नया ही बताया, घर में जाकर हम बात करते हैं तब ये बताते, अरे आज इसने तो ऐसा कहा, आज इसने ऐसी कल्पना की, हमें सोचा ही नहीं था ऐसा बात की उसने। तो ये होता है, दिस इज अवर वर्क। इसमें हम पैशन से लगते हैं क्या? क्योंकि विदाउट पैशन यू कांट डू इट। लोगों को राजनेता पॉलिटिक्स में क्या है, एक प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स इज मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड अंडररेटेड प्रोफेशन इन आवर कंट्री, मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड अंडररेटेड प्रोफेशन। लोगों को लगता है आयुष है, ऐसा जिनको लगता है, ऐसे सारे मित्रों को मैं कहता हूं मेरे साथ 2-3 दिन चलो, सारे पस्त हो जाते, इतना आसान नहीं होता एनी प्रोफेशन। हर प्रोफेशन का एक ये है, लेकिन शिक्षक का प्रोफेशन तो पूरा पैशन है, और अब तो ज्ञान इतने तरीके से सामने आ रहा है। अब हमने स्वयं के माध्यम से टीचर ट्रेनिंग किया, अच्छे अच्छे लेक्चर्स का, 1000 लेक्चर्स का
बहुत अच्छा प्रोग्राम पूरे साल भर चलाया और भी चलता रहेगा, और उसके साथ साथ अभी दीक्षा प्लेटफॉर्म का भी नए तरह से फिर से विकास होने जा रहा है, बाकी भी साधन उपलब्ध है, फ्री सॉफ्टवेयर्स है। मैंने महाराष्ट्र में देखा, गुजरात में देखा, जिला परिषद के अनेक मोटिवेटेड पैशनेट टीचर्स ने खुद होके डिजिटल क्रांति लाई है, शिक्षा क्लासरूम में डिजिटल क्लासरूम बना दिए, सरकार की राह नहीं देखी, ये करते हैं लोग। ये नया निर्माण है और इसके लिए हमें सबको काम करना चाहिए। तो वो पैशन शुड नॉट बी मिसिंग। अगर किसी को लगा कि हम गलत रास्ते पे आ गए, तो अभी भी बाहर जाने का रास्ता है, बट एक बार आए तो मन से आओ, कुछ भी करो वो मन से करो, दिल से करो, तो चेहरे पर प्रसन्नता आती है, हंसी आती। मुझे लोग पूछते कि आप हंसते अच्छे हो तो क्यों, मैंने कहा हंसता यानी ये दिल का आईना है, चेहरा क्या होता है, आपके दिल का आईना है, आप प्रसन्न रहोगे तो वो प्रसन्नता चेहरे पर झलकती है। और इसलिए ये पैशन से काम करना चाहिए और हमें आदर्श तैयार करके वैसे बिहेव करके वो देना चाहिए, और हर शिक्षक होता ही है वैसा पैशनेटली काम करने वाला। मेरे माँ ने 4 लेसन्स दिए जो मैं कभी जिंदगी में भूला नहीं हूं। उन्होंने हमें पहले सिखाया कि कभी भी तुलना मत करो, डोंट कंपेयर, क्योंकि कंपेयर से दुख होता है, मन को तकलीफ होती है, और अगर कंपैरिजन करना ही है, तुलना करनी है, तो अच्छे के लिए ऊपर देखो, यानी गुणों के लिए ऊपर देखो और परिस्थिति के लिए नीचे देखो। ये एक मंत्र कि पढ़ो, अरे भाई वो कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा पढ़ा सकता है, कितना अच्छा गाना गाते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं, गुणों के लिए ऊपर देखो और परिस्थिति के लिए नीचे देखो। अरे भाई उसको तो बेचारे को पांव भी नहीं है, फिर भी मेहनत कर रहा है, कितने लोग गरीबी में है फिर भी अध्ययन कर रहा है, लाइट भी नहीं है घर में फिर भी ताकत से अध्ययन कर रहा है। परिस्थिति के लिए नीचे देखो, गुणों के लिए ऊपर देखो, जिंदगी प्रसन्न होती जाती है। मेरे चौथी में मेरे घर में मेरे पेपर्स माँ के पास ही आए एसेस करने के लिए, क्योंकि वो टीचर थी। तो आए तो उसने मुझे दिखाए नहीं पेपर्स में कितने मार्क दिए, मुझे तो क्लास में मिला, तो मैंने देखा 2 मार्क कम है, तो मैंने कहा, घर में आकर झगड़ा किया कि ये क्या है, मुझे 2 मार्क कम दिए हैं। तो बोले हाँ मैंने 2 मार्क कम दिए हैं, क्योंकि कोई ये न कहे कि शिक्षक ने अपने बेटे को 2 मार्क ज्यादा दिए हैं, इसलिए कम दिए। चरित्र का निर्माण शिक्षकों के ऐसे प्रेरणादायी बिहेवियर से होता है। दिस इज आवर ड्यूटी, दिस इज योर ड्यूटी। और आप देश का भविष्य तैयार करने वाले शिल्पकार हो। अगर अजंता एलोरा का हम गुणगान करते हैं, तो हजारों साल पहले जिन शिल्पकारों ने वो शिल्प तैयार किया पत्थर से, उनकी दूरदृष्टि है, उनकी कला है। देश तैयार होता है अच्छे लोगों से, और अच्छे लोग तैयार करते हैं शिक्षक। इसलिए शिक्षक जैसा प्रोफेशन कोई भी नहीं, यह हमें समझना चाहिए। अब छोटे मोटे नए प्रयोग तो आप करते रहेंगे। हम KVS का और JNV का वेबसाइट अच्छी अपडेटेड, अच्छी मस्त देखने जैसी करो, और करने के बाद आपको भी आनंद आएगा। वहां एक टीचर्स कॉर्नर लिखो, एक तैयार करो, जिन्होंने भी बेस्ट प्रैक्टिस किया है वो उसमें डालेंगे,
आनंद आएगा। और कोई सफलता मिली है उसका भी जिक्र करें, क्योंकि अभी शिक्षकों ने गाना गाया, वो भी तो कितने मन से गा रहे थे। उनके ऐसे गुणों का जतन करने के कारण ही स्कूल का लौकिक बढ़ता है, स्कूल की कीर्ति बढ़ती है। और इसलिए आज मैं लंबा भाषण देने नहीं आया हूं, आपसे संवाद कर रहा हूं। और उसमें मुझे इतना ही कहना है कि योर रोल इज सो इंपॉर्टेंट। टीचर्स रोल इज अ नेशन बिल्डर्स रोल, इसको हमें कभी भूलना भी नहीं चाहिए। और उस दिशा से क्या किया, आप लोग डायरी रखते हो कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जो अच्छे काम किए, जो अच्छी सफलता मिली, उसकी यादें बाद में धूमिल हो जाती है, लिखना चाहिए। और नवोदय में तो एक कैंपस पे ही रहते हैं छात्र और प्राध्यापक अध्यापक, और केंद्रीय विद्यालय में भी इतना समय हम एक साथ है, और सभी टाइप के लड़के आते हैं, लड़के लड़कियां। 25% कोटा से भी आते हैं, जनरल लॉटरी से भी आते हैं, बाकी ट्रांसफरेबल जॉब से आते हैं। तो इकोनॉमिक स्टेटस अब स्टूडेंट्स का एकदम एकदम गरीब से एकदम अमीर तक भी हो सकता है। तो वो जो स्थिति है उसमें कैसे सामंजस्य बिठाए, छात्रों में कैसे आनंद आएगा, कैसे खेल कूद में आगे जाएंगे, कैसे लाइब्रेरी में पढ़ते रहेंगे, पढ़े भारत बड़े भारत कैसे होगा, खेले इंडिया कैसे होगा। केवल अध्ययन और परीक्षा, यही छात्र नहीं है जीवन। छात्र जीवन मैदान में है, छात्र जीवन कला में है, छात्र जीवन बाहर लोगों से संवाद करने में है। आफ्टर ऑल लर्निंग इज कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्युनिकेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कॉम्प्रिहेंशन आता है क्या, समझा है क्या, और समझा है तो समझा सकता है क्या, ये दोनों महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफेशनल है। आप सबका यहां शिविर हुआ, मुझे बहुत खुशी है। भारत सरकार ने 4-5 नए कार्यक्रम तय किए हैं। पहले तो वी हैव कम आउट विद लर्निंग आउटकम्स, क्योंकि बार बार मुझे मन से दुख होता था कि 8वीं का छात्र 5वीं का पाठ नहीं पढ़ सकता, 7वीं का छात्र 4थी का गणित नहीं कर सकता। ये केंद्रीय विद्यालय और नवोदय की स्थिति नहीं है, और इसमें बहुत सारा एक ऐसा चित्र बनाया गया कि जैसे भारत के सभी शिक्षा ऐसी है, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन कुछ जगह है तो क्यों है, मैंने एक स्कूल का परिवर्तन किया, वो केवल बताता हूं। बुंदेलखंड में पालदेव है चित्रकूट के पास, मैंने सांसद आदर्श ग्राम योजना में वो लिया। पहले दिन मेरी आदत है, मैं स्कूल में गया, मैं शिक्षा मंत्री नहीं था, फिर भी मुझे स्कूल से लगाव है तो मैं गया। मैंने देखा छात्रों की अध्यापकों की मीटिंग की, मैंने कहा 10वीं का रिजल्ट कितना है, बोले 11%। और मैंने कहा 12वीं का, बोले 28%। मैंने कहा 12वीं को छात्र कहाँ से आते, तो बोले कोई 4 किलोमीटर, कोई 6 किलोमीटर, 7-8 गांव से छात्र आते हैं। मैंने कहा कैसे आते, साइकिल से आते। तो मैंने कहा उनमें अर्ज है सीखने की, आप नहीं सिखा रहे हो, ये फेल्यूर है, हमें सुधारना है। फिर मैं हर महीने जाता रहा, मेरे पेरेंट्स को मैंने सबकी मीटिंग ली और पेरेंट्स को बताया आपको 3 ही सवाल रोज अपने बेटे बेटी को पूछना है। क्या सारे टीचर्स आए थे क्या, मैं जिला परिषद की बात कर रहा हूं। दूसरा, आज क्या पढ़ाया, ये 2 सवाल पूछते जाओ रोज, नहीं समझेगा तो भी इतना उत्तर ले लो। एक अकाउंटेबिलिटी तैयार हुई, सारे शिक्षक आने भी लगे। फिर उनका डाइट में मैंने बताया कि इनके लिए एक 15 दिन का विशेष कोर्स करो, थोड़ी धूल झटकने की जरूरत है। तो 15 दिन का कोर्स किया, तो नए नए तौर तरीके सीख के आए, और टीचर्स वही जो पिछले महीने कुछ नहीं सिखा रहे थे धीरे धीरे अच्छे सिखाने लगे, रेमिडियल क्लासेस शुरू हुए। एंड इन 1 ईयर
11% became 51% and 28% became 82%. This is how things happen. और ये एक साल नहीं हुआ, अब चारों साल 90% एंड अबाउ रिजल्ट उस जिला परिषद स्कूल का है. ये बदलाव हो सकता है तो शिक्षक की इतनी बड़ी भूमिका है. और इसलिए हमने लर्निंग आउटकम्स निकाले. लर्निंग आउटकम इज कॉम्पिटेंसीज टू बी अचीव्ड बाय द स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट इन ईच क्लास. वो सब डिफाइन किया है हर सब्जेक्ट में क्या आना चाहिए छात्र को, क्या समझना चाहिए और उसको कैसे अचीव करें, इसका भी हैंडबुक तैयार किया है एनसीईआरटी ने. आई होप दैट ऑल यू मस्ट हैव गॉट इट. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हैंडबुक. आई फाउंड इट वेरी यूजफुल. तो वो तैयार किया. अभी हम स्कूलों में नए नए स्पिरिट को अभी समग्र शिक्षा किया. समग्र शिक्षा में एक्सेस भी है, इक्विटी भी है, क्वालिटी भी है और रिसर्च और इनोवेशन भी है. अभी जहां अटल टिंकरिंग लैब शुरू हुई वहां स्कूल का माहौल सारा बदल जाता है. छठी से बारहवीं तक के छात्र रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और अनेक ऐसे आधुनिक उपकरणों के साथ काम करते हैं प्रयोगशाला में. ये अद्भुत काम है, ये मोदी जी की विजन है. अभी 2500 स्कूलों में हुआ है, आने वाले एक साल में 5000 स्कूल पूरे होंगे. उसके साथ साथ हमने पांचवी और आठवीं में परीक्षा लेने का निर्णय किया, क्योंकि राइट टू एजुकेशन में एक बड़ी गलती हो गई कि परीक्षा ही नहीं लेंगे पहली से आठवीं तक. फिर नौवीं में तो परीक्षा थी ही नहीं, तो एकदम दसवीं का बोर्ड वो भी ऑप्शनल कर दिया CBSE का, और वो होने के बाद एकदम बारहवीं में ही परीक्षा होगी. तो उसके कारण ये रिजल्ट आया, 10 साल एक नुकसान हुआ समाज का. इसलिए हमने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि परीक्षा कोई बोझ नहीं है, परीक्षा हर रोज आदमी को देनी ही पड़ती है, यह तनाव का कारण नहीं है, लेकिन यह खुद को टेस्ट करने का, आगे बढ़ाने का प्रयास है, उसका नाम परीक्षा है. और इसलिए 25 राज्यों की मांग थी कि हमें बदलना चाहिए, हमें पांचवी और आठवीं की परीक्षा के लिए चाहिए. चार राज्य कहते थे कि नहीं हमें नहीं, हमें जो जैसा नो डिटेंशन पॉलिसी है वैसा ही चाहिए. मैंने तुरंत रास्ता निकाला कि यह अधिकार हम राज्यों को देंगे कि लेना नहीं लेना आप तय करो, लेकिन हम बिल पास करेंगे. और मुझे खुशी है कि सबके सहमति से ये पिछले अधिवेशन में ये बिल पास हो गया, अब कानून बन गया, अब लागू हो गया. और इस साल से 15-20 राज्यों में ये परीक्षा इसी अप्रैल से प्रारंभ हो रही है. ये एक नई शुरुआत है. इसके साथ साथ हमने NCERT की किताबें प्राइवेट स्कूलों में, NCERT की किताब में से 4 पैराग्राफ बदल के नया किताब प्राइवेट पब्लिशर का आता है और 50 रुपए के किताब की कीमत 300-400 रुपए ऐसी रखी जाती है. मैंने कुछ कंपलसरी नहीं किया, लेकिन हमने NCERT के बुक्स का एक सारा शेड्यूल तैयार किया और सभी पेरेंट्स को मैंने बताया कि आप आपके स्कूल को बताओ कि NCERT की किताबें लो. 3 साल पहले 2016 में मैं मंत्री बना तब 2 करोड़ किताबें खपती थी NCERT की. इस साल की ऑर्डर हमारी 7.5 करोड़ है, इतना बढ़ावा होगा. अभी नए ये जो है समग्र शिक्षा, उसमें खेलो इंडिया, खिले इंडिया, पढ़े भारत, बढ़े भारत, हर स्कूल को लाइब्रेरी के लिए, जिला परिषद के स्कूल को भी, सभी स्कूलों के लिए, सरकारी स्कूलों को 5000 रुपए से 20000 रुपए हर साल हम लाइब्रेरी ग्रांट देंगे. हर साल 5000 से 20000 रुपए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ग्रांट देंगे. खेलना चाहिए तो शिक्षक, शिक्षा सार्थक हो, शिक्षा अच्छी हो, तैयारी ठीक हो और शिक्षकों को न्याय भी मिले पूरा. और न्याय मिलने के साथ साथ वो अपना काम पैशन से करे, विजन से करे. देश बनाने वाले आप ही लोग हैं. और इसलिए जब मैं आया तो मैं हाथ कर रहा था इधर, क्योंकि मैं अधिकारियों को बता रहा था, यहाँ वहाँ जो ऊपर बैठे हैं वो दिख ही नहीं रहे थे, अंधेरे में थे. मैंने कहा शिक्षक है वही तो प्रकाश में आना चाहिए, और इसलिए वहां भी लाइट मैंने शुरू करवाए. अगर आप चेहरे ही नहीं देखोगे, आप अगर समुदाय देखोगे ही नहीं, तो कैसे भाषण होगा, नहीं होता. और इसलिए
आप एक अच्छा काम में लगे हो, ये शुरुआत नई हमने की है शिविर की, ऐसे शिविर हर बार करते रहेंगे, शिक्षा में सुधार करते रहेंगे। और दुनिया में आज पीसा का टेस्ट भी हमने मान्य किया है कि 2021 में पीसा की टेस्ट भारत के छात्र देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है हम दुनिया में भी अव्वल नंबर प्राप्त करेंगे, यह हम कर सकते हैं। और ये करने वाले आप सभी हो, इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जय हिंद।